होळी धुळेटीना તહેવારની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવે છે। દેશના અનેક પ્રદેશોમાં અલગ અલગ રીતે હોળીની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। ત્યારે હાલમાં હોળીના તહેવારને ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે। ત્યારે અમદાવાદના પ્રહલાદ નગર વિસ્તારમાં જૈન સમાજની મહિલાઓએ ફૂલોથી હોળી રમી હતી। अपना देश में होली नो त्यौहार मात्र हिंदुओं द्वारा ज नहीं परंतु अन्य समुदाय लोको द्वारा पण खूबज आनंद अने उत्साह साथे उजवामां आवे छे। होली ए अपना देश मुख्य त्यौहारों में एक छे जे मात्र भारत में ज नहीं परंतु विश्वना विविध देशों में पण खूबज आनंद अने उत्साह साथे उजवामां आवे छे। होली एक एवो त्यौहार कहेवाय छे के जे सुख अने दुख ने भूली जाय छे अने परस्पर प्रेम वधे छे। होळीनो त्यौहार एक एवो त्यौहार छे जे प्राचीन समयथी उजववामां आवे छे। त्यारे अमदावादना प्रहलाद नगर विस्तारमां गुलाबो जैन कल्चरल ग्रुपे फूलोथी होळी रमी हती, जेमां जैन समाजनी 90-95 प्रतिष्ठित महिलाओ उपस्थित रही हती। आ कार्यक्रमनो मुख्य उद्देश समग्र जैन समाजनी महिलाओने एक माळे लावानो हतो। कार्यक्रमनी शुरुआत गुलाबो ग्रुप द्वारा प्रभु वंदनाथी करवामां आवी हती। प्रदूषण अने पाणीनो बगाड अटकाववा फूलोनी होळीनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जे एक अनोखुं आकर्षण हतुं। तमाम महिलाओ ढोलक अने डीजेना ताले नाच्या हता अने साथे मळीने कार्यक्रमने सुंदर बनाव्यो हतो। आ कार्यक्रमनो मुख्य हेतु सौने साथे लईने समाजमां आगळ वधवानो अने जैन धर्मनो प्रचार प्रसार करवानो छे, जे अहिंसानो धर्म छे अने आजनी सौथी मोटी जरूरियात छे। मेरा नाम नीलू जैन है। हम लोग गुलाबो कल्चरल ग्रुप से हैं। यहाँ पर सभी जैन लेडीज को हमने आज एकत्रित किया है। 80-90 लेडीज यहाँ पर एकत्रित हुई है और हम लोग होली का जोर शोर से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ढोलक है, डीजे है, फूलों की होली है। हम लोगों के सब ग्रुप पहले डांस कर रहे हैं और काफी कुछ रंगारंग प्रोग्राम है। बहुत सालों के कारण, कोरोना के कारण सब लेडीज आपस में मिल नहीं पा रही है और समाज की बहुएं जो हमारी छोटी यंगस्टर है वो भी आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है। तो हमने ये कोशिश करी है कि जैन समाज की सब औरतें एक उसके साथ में इकट्ठी हो और उनकी हमारी जो बहुएं अभी आई हैं वो भी आपस में एक दूसरे को जाने। तो ये क्या कि ये मस्ती और धर्म दोनों को हमने साथ में मिक्सन किया है, जैसे कि जैन धर्म की संभावना भी हो, जैन धर्म की सभी औरतें आपस में जुड़े।